नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं भरत कोठियाल। बात उत्तराखंड की करते हैं, जहां रुड़की में इस वक्त नगर निगम चुनाव को लेकर माहौल गर्म है। सभी प्रत्याशी अपने प्रचार प्रसार पर जोर शोर से लगे हुए हैं और समाचार इंडिया की टीम भी प्रत्याशियों के पास जा जाकर उनके मुद्दे, उनके एजेंडे को जानने की कोशिश कर रही है। तो इसी को लेकर हमारी टीम जब प्रत्याशियों के पास पहुंची, तो आइए देखिए क्या कहा उन्होंने। देखिए इस रिपोर्ट में। देखिए, मुस्लिम समाज में मैं जहाँ तक बात कर रहा हूँ कि राजेंद्र बाड़ी जी की एक अच्छी पहचान है। उन्हें सरल स्वभाव और उनका जो कार्यकाल रहा है वो बहुत अच्छा कार्यकाल उनका रहा है, और मुस्लिम समाज बड़ी तादाद में उनके साथ खड़ा नज़र आएगा। मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी के साथ मुस्लिम समाज बड़ी तादाद में साथ खड़ा है और निश्चित तौर पर मेयर राजेंद्र बाड़ी जी बनने जा रहे हैं। मुस्लिम समाज एक तरफा समर्थन देगा जब उसे हम जाकर समझाते हैं ना, क्योंकि मुस्लिम समाज कांग्रेस को हमने बहुत बार वोट दिया, कभी उनका प्रत्याशी जीत नहीं पाया जब तक दूसरे वोट से कम्बिनेशन नहीं बना। जब हम मुस्लिम समाज को जाकर समझा रहे हैं, दूसरा वोट भी 27-28 हज़ार वोटर, 26-27 हज़ार तुम्हारा वोट है, जब मिलकर कम्बिनेशन तो आपका प्रत्याशी जीत जाए। अभी मुस्लिम समाज चुप है, अभी फैसला नहीं लिया। फैसला मुस्लिम मुस्तकबिल जो है ना बसपा की तरफ जाएगा आखिर में, इसके अलावा कोई चारा नहीं। सर्व समाज को साथ लेकर सर्व समाज के सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा। सर्व समाज में बहुजन समाज पार्टी काम करने का काम करेगी। जैसे विधानसभा की बात की जाए, विधानसभा के अंदर जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी खड़े थे, कहीं ना कहीं इनको 2-4 हज़ार वोटें मिली थी, जबकि यहाँ पर समाज की अगर बात की जाए तो हजारों की तादाद पे है, तो इस बार कैसे रहेगा? अभी देख लेना, 24 तारीख को भारतीय जनता पार्टी कि जो नीतियां हैं इनसे आप भी वाकिफ हैं अच्छे तरीके से, कि उन्होंने जो वादे किए थे वो एक भी पूरा नहीं किया। शायद आपको 15 लाख रुपए मिल गए, हमें तो मिलने नहीं, किसी कार्यकर्ता को नहीं मिले। जो मोदी ने झूठ बोला है, आज देश की अर्थव्यवस्था कहाँ है ये सब आपको मालूम है, सब पता है आप लोगों को, तो उससे देख लो आप नाराज है जनता बहुजन समाज पार्टी को पसंद कर रही। तो किस तरह से जोड़ेंगे सब? सब जुड़ रहे हैं, भाईचारा बना के सबको जोड़ने का काम किया जा रहा। जीत पक्की। अभी आपने मैंने सब कुछ बताया, तो सबसे पहले तो मैं जो देश के शहीद हैं उनका सम्मान करूँगा, जो चंद्रशेखर आज़ाद की फ़ोटो और कारगिल युद्ध के जो शहीद हुए हैं उनकी फ़ोटो को इधर उधर का उन्हें वहीं पर उन्हें भव्य रूप से मनाया जाएगा, और बाकी जो आपके नगर की जो समस्याएं हैं, जल भराव की है, जाम की है, ये सब बैठ के आपस में, क्योंकि यहाँ IT है, उसके इंजीनियर हैं, CBRI है, उसके इंजीनियर हैं, और हमारे इंजीनियर मिलकर एक प्लान के तहत ये कार्य करेंगे तो जल भराव की समस्या और ये यातायात की समस्या है ये सबको दूर करने का काम करेंगे। और सबसे बड़ा काम तो ये है इज्जत और मान सम्मान। यदि आप जनता की इज्जत करना जानते हैं, आप जानते हैं कि मेरा घर 24 घंटे खुला रहता है, 1988 से आज तक मुझे जो हरा ना सके इसके पीछे यही कारण है। BJP कांग्रेस लगातार मेरे सामने खड़ी रही और मैं निर्दलीय या समाजवादी पार्टी से जीतता रहा हूँ। मेरा जो सम्मान किया है या तो समाजवादी पार्टी ने किया है या बहुजन समाज पार्टी ने किया है। फिर रुड़की की जनता से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि जैसे समाजवादी पार्टी ने मुझे सांसद बना के भेजा था, तो आज मेरे पे विश्वास करके बहन कुमारी महादेव जी को विश्वास करा। यदि आप जो रुड़की की सारी जनता जानती है और जो मेरा सम्मान मेरा नहीं है कि आज मुझे आगे भेजेंगे, बहन कुमारी मायावती जी का सम्मान है और उनके समस्त कार्यकर्ताओं का सम्मान है, उनके प्रभारी अधिकारी जो प्रदेश अध्यक्ष जिला अध्यक्ष ये सब का उनका सम्मान, ये सम्मान करना ये रुड़की की जनता का काम है, मेरा काम रुड़की की जनता का सेवा करना है। लेकर असर तक नमस्कार।